इतना सुकून और इतनी खामोशी देख के अपने गांव का डेरा याद आ रहा है जनाब। खासकर आप गांव में दोपहर के टाइम पे चले जाएं तो बिल्कुल सन्नाटा होता है, हू का आलम, परिंदों की आवाज़ें थोड़ी थोड़ी सी। सलाम अलैकुम और सुबह बखैर। प्रेजेंट 28 में एक झील ही बन गई है तकरीबन, बहुत बड़ी। इसमें मुख्तलिफ परिंदे भी आते हैं जनाब। काफ़ी लंबी झील, आगे बंद बांधा हुआ है और इसका पानी इस्तेमाल किया जाता है यहाँ के दरख्तों के लिए। ये देखें बीच में एक पता नहीं क्या चीज़ है, मुर्गा भी है क्या, ये तैर रही है, अंदर डुबकी मार ली, गायब हो गई, वो निकल आई दोबारा वापस। मछलियाँ पकड़ रही है, इसके अंदर मछलियाँ भी हैं लेकिन पकड़ने की इजाज़त नहीं है। ये देखें फिर डुबकी मार ली इसने। और इस झील के साथ ही एक पार्क है, सामने डांसिंग फाउंटेन, इधर एक पार्क है। आइए आपको पार्क दिखाता हूँ। ये जनाब पार्क है, छोटा सा खूबसूरत सा। पानी गहरा है जी, नहाना मना है, ये इसी झील के बारे में कहा गया है जो कि बन गई है झील। आप दोस्तों से रابطے के लिए एक छोटी सी वीडियो भी डाल रहा हूँ। इस हफ़्ते भी स्टेडियम नहीं जा सका, नेक्स्ट वीक का प्लान है। ज़ाहिर है कुछ मसरूफियात अचानक आ जाती हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर मलीर एक्सप्रेसवे। थोड़ी सी मायूसी हुई, मलीर एक्सप्रेसवे की इतनी ज़बरदस्त वीडियो डाली थी, किसी ने देखी ही नहीं। चलो जी कोई गल नहीं, खूबसूरत परिंदा देखें आप, ये देखें छुप गया। चलिए जी मिलता हूँ आपसे इसके बाद वाली किसी भी वीडियो में, कोई पता नहीं कौन सी बने। ठीक है, रابطے में रहने के लिए ज़रूरी है कि कुछ वीडियोस डाली जाएं, तो ये मुझे अच्छी और ख़ूबसूरत जगह लगी थी, मैंने कहा चलें आप ही देख लें अगर आपका दिल करे तो। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम। अपना, अपने फैमिली मेम्बर्स और दीगर लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।